गोलीबारी कांड में 8 अभियुक्तों की हुई है गिरफ्तारी। प्रेमी प्रेमिका सहित 6 अन्य को पुलिस ने भेजा है जेल। जिले के महसौल थाना अंतर्गत कृष्णा स्वीट्स और कैश टेलर के मालिक अज्ञात अपराधियों द्वारा बीते 17 नवंबर को किए गए गोलीबारी की घटना में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर कांड में संलिप्त 6 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही अपराधियों को संरक्षण देने को लेकर 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसकी पुष्टि सीतामढ़ी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। एसपी ने बताया कि उक्त घटना के संबंध में कृष्णा स्वीट के मालिक अभय सिंह के बयान पर महसौल थाने में कांड संख्या 921 के तहत धारा 386, 387, 34 भद्वी एवं 27 आर्म्स एक्ट के दर्ज किया गया था। उसके बाद अनुसंधान हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया था। एसपी ने बताया कि 18 नवंबर की सुबह पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गोलीकांड में शामिल अपराधी कर्मी किसी अन्य घटना को अंजाम देने को लेकर लजीज होटल के पीछे इकट्ठा होकर योजना बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा छापेमारी करते हुए अपराधी तुषार रमन, शिवम कुमार, आलोक राज एवं अरुण भूमि को शस्त्र एवं गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अन्य 2 अपराधी वहां से भागने में सफल रहे। गिरफ्त अपराधियों की उसकी पूछताछ की, उसने उन दोनों का नाम श्री प्रकाश और दिव्यम बताया तथा उन दोनों को भी संलिप्तता स्वीकार। पुणे पुलिस टीम द्वारा छापेमारी करते हुए उन दोनों अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई है। अपराधियों ने बताया कि कैश टेलर के संचालक के द्वारा तुषार रमन की गर्लफ्रेंड के ऊपर कमेंट किया था, जिसके कारण उस पर गोली चलाया। उस कांड में शामिल सभी अपराधियों को शरण देने के मामले में तुषार रमन की माँ और उसकी प्रेमिका को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी ने बताया कि अपराधियों का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। मुख्य अपराधी तुषार रमन के खिलाफ सीतामढ़ी जिला सहित बिहार के पटना और मुजफ्फर में भी कई कांड में इतिहास रहे हैं। इनके खिलाफ लगभग 1 दर्जन से अधिक मामले कई थानों में दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 2 चाकू बरामद किए गए। गौरतलब है कि छापेमारी दल में नगर थाना प्रभारी, महसौल थाना प्रभारी, तकनीकी शाखा प्रभारी, 2 अन्य सिपाही एवं क्वाटी के जवान सहित कई अन्य शस्त्र बल शामिल थे। सर, किस मामले में गिरफ्तारी किए 6 लोगों को? ये 17 तारीख की शाम में महसौल चौक के पास कृष्णा स्वीट हाउस और एक कैश टेलर की दुकान पे गोलीबारी की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई। पुलिस की टीम उस समय तुरंत गठित करके उसमें छापामारी तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिया गया। इसमें कल सुबह में सूचना प्राप्त हुई कि जो इस घटना में शामिल अपराधकर्मी हैं वो महसौल थाना अंतर्गत ही लजीज होटल के पीछे में एक कमरे में एकत्रित हुए हैं, जो कि पुनः कोई घटना कायित करने वाला है। इसमें छापामारी के लिए टीम गठित की गई, जिसमें डीआईयू के सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार, डीआईयू की टीम, टाउन थाना प्रभारी, महसौल थाना प्रभारी को लगाया गया और उनके द्वारा छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में वहाँ पर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 2 व्यक्ति भागने में सफल रहे, जिन्हें बाद में उनके घर से छापामारी करके गिरफ्तार किया गया है। उनसे जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ करने पर मामले का खुलासा हुआ, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया कि कृष्णा स्वीट्स से अंदाजी मांगने की बात जो तुषार अमन एक मुख्य अपराधकर्मी है उसके द्वारा स्वीकार किया गया। कैश टेलर के सिर पर गोलीबारी करने के संबंध में उसके द्वारा बताया गया कि जो अपराधी तुषार अमन है उसके गर्लफ्रेंड पे उसके द्वारा कुछ कमेंट किया गया था, जिसके कारण उसके द्वारा बदला लेने के लिहाज से उस पर गोलीबारी की गई थी। जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा और 2 चाकू भी बरामद किया गया। जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल था उसे भी बरामद कर लिया गया। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। जो अपराधकर्मी तुषार अमन है उसका लंबा चौड़ा अपराधिक इतिहास रहा है। लगभग 6 महीने से सीतामढ़ी पुलिस द्वारा भी उसके गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सफलता प्राप्त हुई है। पूछताछ के क्रम में उसने अपने मुजफ्फरपुर में भी एक मर्डर की के बारे में संलिप्तता स्वीकार किया तथा पटना में भी एक गोलीबारी की घटना में शामिल रहा, जिसमें एक छात्र से इसका कुछ विवाद हुआ था, जिसको लेकर के उस पर इसके द्वारा गोलीबारी की घटना की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य थानों में भी इसके विरुद्ध लूट, अंगदाई इत्यादि के घटना प्रतिवेदित हैं। अभी पूछताछ की जा रही है। जो भी पूछताछ की गई है उसे यह प्रतीत होता है इसके विरुद्ध 1 दर्जन से ज़्यादा कांड में ये शामिल रहा है। महत्वपूर्ण अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ में गैंग में शामिल अरुण भूमि का भी अपराधिक इतिहास रहा है। एक बार एगा थाना से कस्टडी में भागने के घटना में भी शामिल रहा है। लूट, अंगदाई इत्यादि के घटना
प्रतिवेदित हैं। अभी अगतः पूछताछ की जा रही है, जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसे यह प्रतीत होता है इसके विरुद्ध एक दर्जन से ज़्यादा कांड में ये शामिल रहा है। महत्वपूर्ण अपराधी को गिरफ्तार किया, इसके साथ में गैंग में शामिल अरुण भूमि का भी आपराधिक इतिहास रहा है। उस एक बार एगा थाना से कस्टडी में भागने के घटना में भी शामिल है तथा पूर्व में आर्म्स एक्ट के केस में भी शामिल रहा है। इस गोलीबारी की घटना में तथा अपराध की योजना बनाने वाली घटना में भी यह शामिल है। तो कुल मिलाकर पूरे गैंग का ही खुलासा हुआ है और गैंग की गिरफ्तारी इसमें संभव हो पाई है। साथ में जो तुषार अमन की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे थे, उसी में एक दो व्यक्ति हैं जो इनको शरण दे रहे थे, तो उन लोग के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो गर्लफ्रेंड है उसके द्वारा शेल्टर दिया जाता था तो उसे भी गिरफ्तार किया गया, और तथा तुषार अमन की माँ द्वारा भी बराबर पुलिस को चकमा दिया जाता था इसलिए उसे भी गिरफ्तार किया गया। अलग से कांड हाईवेइंग ऑफ क्रिमिनल्स को लेकर के एफआईआर दर्ज करके दे दिया। सर, मुख्य अपराधी का तार कहाँ से जुड़े होने की संभावना है? मुख्य अपराधी का तार अलग से कोई झुका होने की नहीं, मुख्य अपराधी ऑलरेडी गिरफ्तार है तो तार उसी तक झुका हुआ है, आगे कोई और कोई कहा नहीं। सर, पूर्व प्रभारी के ऊपर भी, मेसोल ओपी के पूर्व प्रभारी के ऊपर भी नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। जो पूछताछ हुआ है उसमें इन लोग का मुख्य टारगेट कैश टेल है, तो ये लोग गोली चला रहे थे, उधर से ही गुजर रहे थे मैसोल के पूर्व प्रभारी, तो जो भी मीडिया में अफवाह इस तरह की फैली की उन पर भी गोली चला गया। लेकिन वैसी सर, गिरफ्तार अपराधी जो तुषार है उसकी गर्लफ्रेंड माँ के साथ कृष्णा रेस्टोरेंट के मालिक का कोई संबंध है ऐसा? इसके संबंध में कोई वैसा कोई तथ्य सामने नहीं है। R9 भारत के लिए सीतामढ़ी से सत्यम कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिला कांटी प्रखंड अंतर्गत पंचायत दामोदरपुर मुखिया पद पर मीरा गुप्ता को हरा कर जीते अफसाना परवीन। पति मोहम्मद परवेज आलम जिन्होंने जीत हासिल किया है। वहीं अफसाना परवीन ने कहा कि मैं जनता का शुक्रगुजार हूं कि जनता हमें सेवा करने का मौका दिया। वहीं पंचायत वासियों ने लगातार शुभकामनाएं देने घर पर पहुँच रहे हैं। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के प्रत्याशी मोहम्मद अली ने भी आकर जीत की बधाई दी फूलमालाओं के साथ। वहीं समाज सेविका परवेज आलम ने कहा कि हमारी पंचायत में सबसे पहले हमारा काम पानी निकासी का होगा, क्योंकि इस बार जो हमारी यहाँ की जनता पानी से जुड़ी है वह कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं सभी जनता का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी पत्नी अफसाना परवीन को सेवा करने का मौका दिया। दामोदर ग्रामीण पंचायत के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ सब दिन से बने आ रहे थे, बीच का कुछ जो है गड़बड़ी के कारण, एकजुटता के कारण हमारी हार हुई 143 वोट से। उसको देखते हुए हमारे साथ जनता जो जिस तरह से निभाने का काम किए हैं कि काफ़ी वोट दे करके कि पिछले दफ़ा 143 वोट से हारे हुए थे, जो इस बार जो है वह अपना ये दिखाए कि नहीं एकजुटता का, और सभी समाज वर्ग लोग जो है हमारे साथ इस बार इलेक्शन में साथ दिए हैं, जिसका परिणाम मिला है 2978 वोट से पराजित किए हैं। हमारे साथ जो अब तक जो मिलजुल करके जो वोट देने का काम किए हैं मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, R9 भारत के लिए परवेज आलम की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर बिहार से।